हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, आज के वीडियो में मैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाला हूँ जो रेलवे ग्रुप डी जो 2019 की वैकेंसी थी उसे क्लियर करके 2023 में ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कर दी है, जिसके ऊपर बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में चलते रहता है कि जब हमारी ज्वाइनिंग होगी तो हमें कौन सा पेपर लेके जाना है, क्या कौन से बैंक में अकाउंट खोलवाना है, हमारा नॉमिनी कौन होगा। ये तमाम तरह के मन में उनके चलते रहता है कि कहीं कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रहने के वजह से मुझे वापस तो नहीं कर दिया जाएगा। ये सारी समस्या आपके अगर मन में चल रहा है तो मैं आज आपको उसी का सॉल्यूशन के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें, स्क्रिप्ट करके देखेंगे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं आज आपके लाइफ का एक एक महत्वपूर्ण पहलू के ऊपर बात करने वाला हूँ, चर्चा करने वाला हूँ, डिटेल से बताने वाला हूँ, ताकि आपको भविष्य में किसी तरह के परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आप जैसे भाई बंधु जितने सारे होंगे अभ्यर्थी उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले और उनको भी ज्वाइनिंग के समय में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो साथियों, सभी को पता है कि जितने सारे कैंडिडेट हैं सभी का पैनल दे दिया गया है रेलवे ग्रुप डी द्वारा, और डिवीज़न अलॉट वगैरह पोस्ट सब कुछ दे दिया गया है, और इतना तक कि अब तो बहुत जगह लोगों का ज्वाइनिंग लेटर भी भेजा जा रहा है, जैसे लखनऊ हो गया और कई डिवीज़न हो गए जो ज्वाइनिंग भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दिया है। तो साथियों, अब उसी में आता है कि आप नए अभ्यर्थी हैं, ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं, तो आपके मन में चलता है कि कौन सा कागज़ ले जाएं, कौन सा पेपर ले जाएं, क्या करें ना करें। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि जब डीवी के समय में जितने सारे पेपर आपके पर आप वहां पे लगाए थे उसकी फाइल एक तैयार करके जिस डिवीज़न में आपको अलॉट किया गया है वो डिवीज़न को भेज दिया गया है, तो जब भी जाएं तो सभी फाइल का ओरिजिनल कॉपी लेके जाएं, जैसे सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट वगैरह हो गया, करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, वो सभी आप वहाँ पे ले जाएं, क्योंकि फिर से वहाँ पे की प्री वेरिफिकेशन के रूप में बारी बारी से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किए जाएंगे और देखे जाएंगे कि क्या आप सच में वही हैं या कोई और हैं। अब साथियों, उसमें जो मैट्रिक इंटर है या आईटीआई लगा रखे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे। उसमें के बाद आपको है कि जो अगर ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको एसडीएम ऑफिस से ऑथराइज लेटेस्ट ओबीसी बना होना चाहिए। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको दो बना के जाना पड़ेगा, एक आपके कॉलेज स्कूल में जहाँ से आप पढ़ाई करते थे वो आपको बना के देंगे, दूसरा होगा किसी प्रशासनिक अधिकारी जो गजेटेड ऑफिसर हैं जैसे आपका वो लोग हैं वो आपको एक बना के देंगे, वो ले जाना है। अब साथियों, अब आपके मन में आता होगा कि अकाउंट कैसे खुलवाएं, या चाहे तो अकाउंट पहले खुलवा के जाएं या अकाउंट वहां पे खुलवाएं। तो साथियों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपका पहले से अकाउंट है तो अच्छी बात है, अब अगर नहीं है तो ज्वाइनिंग के टाइम में वहाँ पे वो बैंक की शाखा को बुलाया जाता है, जैसे बहुत सारे बैंक होते हैं, SBI होते हैं, एक्सिस बैंक होते हैं, कुछ सरकारी बैंक, कुछ प्राइवेट बैंक होते हैं, वो उसी टाइम आपको ज्वाइनिंग के साथ में ही आपके अकाउंट खोल दिए जाएंगे, जितने सारे ATM हैं, पासबुक हैं, चेकबुक हैं सभी दे दिए जाते हैं। और अगर आप पहले से खुला रखे हैं तो और उस अच्छी बात है, आपको वहाँ पे जाने के बाद
अगर सरकारी बैंक जैसे SBI हो गया, PNBI हो गया, SBI का बैंक रहेगा तो उसमें क्या है कि पेमेंट थोड़ा सा फास्ट पहुंचता है और अनेक सुविधाएं मिलती है, और PNB वगैरह है उसमें भी थोड़ा आगे पीछे पेमेंट पहुंचता है, लेकिन सभी बैंक अच्छे बैंक हैं, आप किसी में भी आप खुलवा सकते हैं। अब साथियों, जैसे ही आप बैंक यहीं से खुलवा लिए हैं तो आपको पासबुक, चेकबुक, जो कैंसिल चेक होता है वो आपको देना ज़रूरी है। अगर वो कैंसिल चेक नहीं देंगे तो आपकी पेमेंट नहीं बन पाएगी, रुक जाएगी। जैसा कि साथियों हमारे साथ व्यवसायी हुआ था, हमें कोई बताया नहीं था, नहीं मुझे जानकारी था, तो मैं चला गया ऐसे ही, ना मेरे पास पैन कार्ड था, ना मेरे पास चेकबुक था, जिसके वजह से ज्वाइनिंग तो ले ली गई, ज्वाइनिंग ले लिया जाएगा, लेकिन जो हमारी तनख्वाह है, सैलरी है, वो 4 महीने के बाद बन के आया था। 4 महीने के बाद मुझे रेल में पहला सैलरी मिला था। तो साथियों अब ये आप बताइए कि 4 महीने आप वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, आपको सैलरी नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे आप खर्च कैसे कर पाएंगे, कितने गार्जियन से मांगे। तो मैं सोचता हूँ कि जो गलती हमने किया है वो गलती आप ना करें, सजग रहें, सतर्क रहें। और पैन कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड, आधार कार्ड पहले से बनवा लें, और जितने सारे ज़रूरत के डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके जाएं। फ़ोटो 15 से 20 फ़ोटो कम से कम लेके जाएं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे फ़ोटो का उपयोग किया जाएगा, बहुत सारे फ़ोटो को लगाया जाएगा। और जो आपको वहाँ से मेल के द्वारा या तो बाई पोस्ट के द्वारा जो फॉर्म आया है उसको फिलअप कर लें, और जो नहीं समझ में आता जाके वहाँ पे आप पूछेंगे, वो आपको बता दिए जाएंगे। अब साथियों अब उसमें आता है कि NPS अकाउंट, ये NPS अकाउंट होता है जो सरकार के द्वारा लाया गया है, उसमें आपका क्या होगा कि आपकी सैलरी का 10% काटा जाएगा और सरकार उसमें 14% ऐड करके वो जमा करेगा, और जब रिटायरमेंट होगा तो आपको इंटरेस्ट के साथ रिटर्न कर दिया जाएगा। जो नेशनल पेंशन स्कीम है, NPS जो है नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपको पैसे जमा किए जाएंगे। अब साथियों वो फॉर्म आता है जो NPS वाली अकाउंट वाली फॉर्म आता है, 4 से 5 पेज का होता है, उसको भरने में कोई गलती ना करें, ना ओवर राइटिंग करें, फोटो भी जिस खाना बॉक्स में दिया हुआ उसी में इतना छोटा लगाएं कि जो उस बॉक्स से बाहर ना हो, एक अक्षर आपका ओवर राइटिंग ना हो, मिसमैच ना हो, नहीं तो आपका NPS अकाउंट नहीं खुलेगा और आपका जो राशि जमा होने वाला है वो जमा नहीं हो पाएगा, और आपको भविष्य में बहुत सारे परेशानियां का सामना करना पड़ सकता है। तो साथियों ये सारी बातें जो है आपको वहाँ पे जाके आराम से क्लियर से आपको भरना पड़ेगा, समझ समझ के, ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिए। और किसी तरह के दिक्कत हो तो जो भी वहाँ पे कर्मचारी ऑफिसर होंगे उनसे पूछ के आप ये काम करें। साथियों अब ये आता है आपके मन में कि नॉमिनी किसको बनाया जाए, क्योंकि NPS में नॉमिनी का भी अहम रोल होता है। तो साथियों जिनकी शादियां हो चुकी है वो अक्सरहा अपने बीवी और बच्चे के ऊपर नॉमिनी बनाते हैं, लेकिन अब जिनकी शादी नहीं हो रखी है, अनमैरिड हैं, उनको क्या करना पड़ेगा। तो उनके लिए जब तक आपकी शादी नहीं होता है तब तक आप अपने माँ पिताजी को नॉमिनी का पार्टनरशिप हिस्सा दे सकते हैं। में भी आपको है कि या तो पिताजी हैं या माताजी, अगर 100% दे देना चाहते हो 100% दे सकते हैं, या 50-50 देना चाहते हैं तो 50, या जब जो आपका रेशियो अच्छा लगे कि हम इसको इतना दे सकते हैं वो दे सकते हैं। और फिर उसके बाद में जब शादी होगा, अगर आपको नॉमिनी चेंज करना होगा तो हर साल नॉमिनी का फॉर्म आता है, आप नॉमिनी को चेंज कर सकते हैं। ये हो गई। अब आपके उसके बाद आपका फैमिली डिक्लेरेशन लिया जाएगा, तो जिनकी शादियां हो चुकी है वो अपने फैमिली, बच्चे, परिवार का ब्यौरा देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो आपका उम्मीद कार्ड है, जो मेडिकल सुविधा फैकल्टी मिलेगा वो मिलेगा। अगर बच्चे स्टडी कर रहे हैं तो उनको चिल्ड्रेन अलाउंस मिलेगा, स्टडी अलाउंस मिलेगा, ये
तमाम सारी सुविधाएं उनको प्रदान किया जाएगा, इसके लिए आपको ये मांगा जाता है। लेकिन अगर उस टाइम अगर नहीं भी देते हैं तो कोई बात नहीं है, आप ज्वाइनिंग कर लीजिए, वही डिवीज़न में आपकी ड्यूटी होगी। जैसे जैसे आपके पास डॉक्यूमेंट्स आएंगे, आप ज़रूरी के डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अटैच करते जाएंगे और पूरी फाइल आपको क्लियर हो जाने के बाद आपकी पीएफ नंबर आ जाएंगे, सैलरी मिलने लगे फिर। तो साथियों, यही तमाम महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसको हमें आप लोग के लिए बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कमेंट आया था कि सर मेरी ज्वाइनिंग होने वाली है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट साथ में ले जाएं, क्या करें, उसके ऊपर वीडियो बनाए। तो मुझे लगा कि चलो मैं ज़रूरी है आपको ये सब बताने के लिए। तो साथियों, जो गलती हमने की है वो गलती आप ना करें, नहीं तो आपका एनपीएस अकाउंट नहीं खुल पाएगा, ना ही पेमेंट बन पाएगा। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जितने भी नए ग्रुप डी को ज्वाइन कर रहे हैं उनको मेरे तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप लाइफ में अच्छे से अच्छे ड्यूटी को निर्वहन करें और किसी तरह के परेशानी ना हो, और जितने सारे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सही से अपलोड कर दें, अपडेट करके फाइल में सबमिट करवा दें। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।